हेलो गाइस, वेलकम टू एस्टन ऑटोमोटिव। आज आपके सामने BMW की ऑल न्यू 2023 X5 खड़ी है। ये गाड़ी हमारे पास जो काम के लिए आई थी, इसके ऊपर हम लोगों ने PPF का एप्लीकेशन किया है। PPF करने से पहले आपको पता ही है, हम लोग गाड़ी के ऊपर पूरा थरो डिटेलिंग करके लेते हैं। उसके वजह से उसके ऊपर के छोटे छोटे स्क्रैचेस, स्वर्ल्स, कंटामिनेशन जो है निकलने में काफ़ी हेल्प हो जाती है। उसके बाद जो है सरफेस प्रिपरेशन का प्रोसेस होता है। सरफेस प्रिपरेशन में हम लोग गाड़ी के ऊपर के जो कुछ भी छोटे छोटे मार्क्स रहता है या फिर उसके ऊपर कुछ भी डस्टिंग रहेगी वो निकालते हैं, उसको IPS से अच्छे से क्लियर करते हैं। IPS से क्लियर करने के पीछे का एक मेन रीज़न रहता है, जो भी हम लोग पॉलिश करते हैं ना गाड़ी को, पॉलिश करते टाइम जो स्टिकीनेस क्रिएट होता है उसको निकालना पड़ता है, ताकि PPF जो है गाड़ी के ऊपर अच्छे से लग जाए। ये प्रोसेस हो जाने के बाद हम लोग गाड़ी को अच्छे से 2-3 घंटा ड्राइंग के लिए छोड़ देते हैं। फिर गाड़ी के ऊपर हम लोग जो है PPF का काम शुरू करते हैं। PPF करते टाइम एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, बॉनेट वगैरह से काफ़ी सारे डिटेलर्स जो है सीधा कटिंग कर देते हैं। हम लोग जो है ये केस में पूरा अंदर टकिन अच्छे से कर देते हैं, उसके वजह से PPF निकलने के चांसेस, बबल क्रिएट होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, फिनिशिंग भी काफ़ी बेहतरीन आती है। उसी के साथ इसके जो बम्पर्स है, डोर्स है, हैंडल्स जो है, मिरर्स जो, हम लोग पूरे कम्प्लीटली डिसमेंटल कर देते हैं। डिसमेंटल करते टाइम एक चीज़ ध्यान में रखनी है, प्रोफेशनल लोग रहेंगे तो ही ये रिस्क लेना, नहीं तो कोई भी छोटा आदमी रहेगा अगर वो खोलने के लिए ट्राई करेगा, अगर डैमेज हो गया तो आपको बहुत महंगा ये खर्चा जा सकता है, वारंटी भी गाड़ी की अवॉइड हो सकती है। वैसे तो पूरा प्लग टू प्लग रहता है, बट उसकी जानकारी रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। हम लोगों ने ये गाड़ी के पूरे हैंडल्स जो है डोर पार्ट खोल के डिसमेंटल कर दिए थे, उसके वजह से जो फिनिशिंग आई है बहुत ही सुंदर आई हुई है। आपको कहीं भी गाड़ी के ऊपर छोटा सा भी कटिंग का निशान नहीं दिखेगा, सिर्फ जो बम्पर्स है बम्पर्स के ऊपर हम लोग कटिंग जो है वो करते हैं। उसमें भी ये जो पोर्शन है स्पेशली, ये पोर्शन के ऊपर हमें अच्छे से कटिंग करना पड़ता है। बाकी बम्पर जो है हम लोग पूरा वन पीस में ही लगाते हैं, कुछ कुछ जगह पे ये टू पीस में लगाते हैं इन ऑर्डर टू सेव द मटेरियल। कुछ बुरा नहीं है, अगर आपको मटेरियल सेव करना रहेगा तो आप यहाँ पे हल्का सा कटिंग मार के ये बम्पर जो है टू पीस में कर सकते हो। रूफ टॉप जो हम लोगों ने उसको भी पूरा कवर करके लिया हुआ है। पूरा PPF हो जाने के बाद अलॉय व्हील, डोर ट्रिम्स, विंडशील्ड एज वेल एज पूरे उसके जितने भी ग्लासेस है उसके ऊपर हम लोगों ने सेरामिक का एप्लीकेशन किया है, और गाड़ी के ऊपर भी एक सेरामिक का टॉप कोट अप्लाई कर दिया। उसके वजह से गाड़ी के ऊपर धूल मिट्टी पानी जल्दी पकड़ेगा नहीं, स्टेन जल्दी आएंगे नहीं, गाड़ी का PPF क्लीन करने में एंड गाड़ी के PPF की लाइफ बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करता है। आपने भी ऐसी कोई नई लग्जरियस गाड़ी ली रहेगी या फिर कोई नॉर्मल गाड़ी भी ली रहेगी, आपको आपके गाड़ी का पेंट अगर प्रोटेक्ट करना रहेगा जिससे आपके गाड़ी की वैल्यू जो है आगे जाके टूटे ना, गाड़ी की वैल्यू बरकरार रहे, गाड़ी का पेंट सर्विस भी सेफ रहे, तो आप हमारे पास जरूर आ सकते हो। मैंने हमारे पूरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अगर आपको ये वीडियो हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा रहेगा तो हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। हमारा मेन रीज़न था मेरे को PPF के जो आपको मेन प्रोसेस है वो बताना। हम लोग हर एक वीडियो में आपको वैसे भी डिटेलिंग की प्रोसेस और एप्लीकेशन की प्रोसेस दिखाते ही है, मेरे को सिर्फ आपको बताना था कि PPF हम लोग कैसे लगाते हैं, उसके बाद का इफेक्ट कैसे लगता है, इसीलिए हम लोगों ने प्रोलॉन्ग वीडियो बनाया हुआ है। इसके साथ गाड़ी में हम लोगों ने सन कंट्रोल फिल्म का भी एप्लीकेशन किया हुआ है, जिसका आपको विजिबिलिटी जो है वो 70% मिलेगा और आपको 100% UV एंड 94% आयर कंट्रोल का आपको इसमें रिडक्शन मिलने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा, उनको भी ये इन्फॉर्मेशन आगे जाके काफ़ी हेल्प कर सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग एन ऑटोमोटिव।